जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले 1000 करोड़। यस, 1000 करोड़ पठान ने रीच कर दिए है क्रॉस वर्ल्ड वाइड। तो मैं इसलिए खुश हूँ कि पहले ही दिन में देख के मैंने मेरे वीडियो में बोला था कि 600 to 800 करोड़ से इंडिया में ज़रूर अर्न करेगी, और वही हुआ। भले बहुत टाइम लग गया पर डेफिनेटली ये हुआ। इसलिए मैं आई एम हैप्पी दैट मैंने जो गैस किया था वो सही निकला। इंडिया में 520 करोड़ से रीच कर चुकी है, प्लस 100 करोड़ अमेजोन के जो राइट से उसको ऐड कर दे तो 620 करोड़ हो गए। फिर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करें, ओवरसीज में 380 करोड़ है। तो ये 250 करोड़ के बजट की फिल्म आज 1000 करोड़ अर्न कर चुकी है। जी हाँ, पठान हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। जी नहीं, मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया कि हम टॉप 10 इंडियन मूवीज देखने वाले हैं जिसने ज़्यादा सबसे ज़्यादा अर्न किया है। तो पहले नंबर पर आती है दंगल, उसने 2100 करोड़ कमाए थे। ये बात अलग है कि ये दंगल मूवी थी जो चाइना में रिलीज हुई थी और वहाँ से 1200-1300 करोड़ का कलेक्शन आया था। यहाँ पर पठान जो चाइना में रिलीज़ नहीं हुई है तो ऐसा देखा जाए तो पठान ने ज़्यादा अर्न किया है, पर दंगल इज़ ऑन फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे आ रही है बाहुबली 2, उसने अर्न किए थे 1810 करोड़। थर्ड पोजीशन पे KGF 2, उसने अर्न किए थे 1230 करोड़। चौथी RRR, जिसने अर्न किए 1200 करोड़। ये अभी भी जापान में चल रही है। जी हाँ, पाँचवें पोजीशन पे है पठान, ये 1000 करोड़। मेरा हिसाब से पठान डेफिनेटली 1300 से 1400 करोड़ का मार्क का टच करने वाली है। तो ये इंडियन की तीसरी पोजीशन पे आने वाली है डेफिनेटली, देख लेना। 1200 से 1400 करोड़ अर्न करेगी और ये आके सेकंड पोजीशन में बैठ जाएगी। सिक्स पोजीशन पे आती है बजरंगी भाईजान, उसने अर्न किए थे 900 करोड़। सेवन्थ पोजीशन पे सीक्रेट सुपरस्टार 830 करोड़। एट पोजीशन PK 740 करोड़। नाइन्थ पोजीशन पे 2.0 रजनीकांत की, उसने अर्न किए थे 650 करोड़। और टेंथ पोजीशन पे सुल्तान 2016 में आई हुई, जिसने अर्न किए थे 600 करोड़। दो और मूवी है जो साथ साथ में चल रही थी 11 और 12 पोजीशन पर, उसकी भी बात कर लेते हैं। संजू और टाइगर जिंदा है, दोनों ने कंपेरेटिवली 560 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था पूरे वर्ल्ड वाइड। जी हाँ, तो दोस्तों आप उनको बता दो कि खान रूल्स इन इंडिया सिनेमा, क्योंकि आप देखिए ना, ये टॉप 10 में आमिर खान की 3 मूवी है, यस 3 मूवी, सलमान खान की 2 मूवी है, एस आर के की 1 मूवी है। तो 7 मूवी तो एक 3 खान की हो गई। तो हम जो भी बोले कुछ भी कहे, पर ये फैक्ट है कि खान इज़ रूलिंग ऑन आर बॉलीवुड डेफिनेटली। तो यस, ऐसे बोल सकते हैं कि पठान वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म में सेकंड पोजीशन पे है, कि फर्स्ट इज़ दंगल, सेकंड इज़ पठान। ओवरऑल भले कि 5वें नंबर पे है, पर डेफिनेटली एज अ हिंदी सिनेमा, आपके हिंदी बॉलीवुड का देखे तो बॉलीवुड में ये डेफिनेटली सेकंड पोजीशन पे आ गई है पठान। तो बस यही मेरा वीडियो था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।